हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये रेडॉक्स के अंदर है, दो साल आप ही के साथ ही चलेगा। आइए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, पुट योर पेन डाउन। सर देखिए, सर कुछ चीजों का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली फिक्स होता है, जनरली नॉट ऑलवेज। प्लस वन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये ग्रुप वन है तो जनरली ये प्लस वन शुगर। प्लस टू बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। बेरियम रेडियोएक्टिव होता है, वो हम लेते नहीं है। माइनस वन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऑक्सीजन ये सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज माइनस टू। ये जनरली ऑक्सीडेशन, ये जनरल ऑक्सीडेशन नंबर्स है, रेयर केसेस में ये बदलते भी हैं। अभी हम जनरल केसेस करेंगे टाइप वन में, जिनमें ये अपने नॉर्मल नंबर शो कर रहे हैं। फिर हम करेंगे एक्सेप्शंस, जहां पे इनके नंबर बदलते हैं। तो पहला मान लीजिए क्वेश्चन आ गया HNO3, मैं कलर चेंज कर देता हूं, हमने ले लिया HNO3। टीचर आपको अंडरलाइन कर देगा जिसका निकालना है, थोड़ी देर बाद आपको इतनी आदत हो जाएगी, आपको खुद ही दिखेगा अच्छा इसका निकालना हो। शुरू शुरू में वो आपको अंडरलाइन करके देगा। HNO3 नाइट्रोजन का निकालना है। पहले सबसे पहले कौन है, हाइड्रोजन। देखो इस चार्ट में हाइड्रोजन का कितना है, वन है। कितने हाइड्रोजन है, वन है। जिसका निकालना है उसका एक्स, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है दैट इज एक्स। नाइट्रोजन कितने है, वन है। कितना एक्स, तो आप सीधा भी लिख सकते हो वन इंटू एक्स इज एक्स। फिर प्लस कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस टू। इक्वल टू जीरो, इक्वल टू मॉलिक्यूल क्या जीरो होता है। अब यहां हम इसको सॉल्व करेंगे, वन प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू, ये नाइट्रोजन का फाइव। नाइट्रोजन का कितना हो गया, बोलो समझ आया। एक और निकाल के दिखाता हूं, उतारने की जल्दी मत करिए, हम आपको टाइम देंगे। हमने निकाला मान लीजिए H2SO4, H2SO4 कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता कितना है, जिसका निकालना है वो एक्स, एक्स इंटू वन इज एक्स। ऑक्सीजन फोर इंटू इजिकल टू इजिकल टू टू प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस सिक्स x is equal to, is a tough, बड़े मजेदार चीज है, फ्री के नंबर होते हैं, दो साल साथ ही चलता है, लोग इसको भी नहीं सीखते, फिर दीवारों पे सर मारते हैं भैया कर क्या रहे। अभी ऐसा आर्टिकल है द्वारा कराने का भी दिल नहीं करता, इतना आसान। अब आपके सामने मैंने रिकॉर्डिंग की और ये बोला प्लस वन प्लस टू दोनों के लिए, सेम आर्टिकल तुम्हारे सामने प्लस टू में भी डालूंगा, कुछ महान लोग अब सीखेंगे प्लस टू में जाकर। ठीक है, बोलिए समझ आया। yes. अभी इसको नोट करिए, फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं दैट इज H3PO3, सेकंड क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं H2SO4 हम कर चुके हैं, अब इसका मतलब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे दैट इज KMnO4। फोर्थ क्वेश्चन है
K2 Cr2 O7। पांचवा क्वेश्चन है, मिसप्रिंटिंग है, ये PCl है, PCl5 इसे करेक्ट कर लीजिए, PCl5। सिक्स्थ क्वेश्चन है P4O10। सेवेंथ क्वेश्चन है NO2। एट्थ क्वेश्चन है, सॉरी सेवेंथ इज रिवर्स, जस्ट वेट, सेवेंथ इज N2, एट्थ इज NO2, नाइन्थ इज HNO3, टेंथ इज H2SO3। अब किस किस का निकालना है मैं वो भी अंडरलाइन कर देता हूं, वैसे तो क्लियरली विजिबल हो रहा होता है, फास्फोरस, MN, क्रोमियम, फास्फोरस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड सब। ये केवल 9 क्वेश्चन मैंने आपको दिए जो अभी आप करेंगे, ये सब टाइप 1 के। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन, किसी को कोई भी डाउट होगा तो सिंपली रेज द हैंड, वो मैं सॉल्व कर दूंगा। H3PO3 देवल जी कितना आ रहा है? 3। तो सर का आंसर 3 करेक्ट है, आप भी चेक करिए सबका 3 आ रहा है। सर KMnO4 7, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 7। बेटा दमन जी, दमन ही है ना, बोल बच्चे, 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मैं निकाल के भी दिखा देता हूं, 2 × 1 + 2 × x + 7 × 2 − 2 = 0, x = 6। यहां पे ध्यान ये रखना है 2x लेना है। बोलो सबको क्लियर है? Yes, सबका करेक्ट था? वेरी yes, स्ट्रेंज। पीछे PCl5 x = 5। जैस्मीन बेटा बताएंगे P4O10 जैस्मीन बेटा यस सर, कितना आंसर होगा बेटा P4O10? सर मैंने ये किया ही नहीं। करो बच्चे, P को X ले लो, कितने बन गए? 4 × x। ऑक्सीजन कितना होता है? 10 × −2 = 0। जैस्मीन बेटा बताएंगे कितना X आया? 1 मिनट सर, टेक योर टाइम। x = 5। आर्य जी बताएंगे N2O। सर 1। यस, 2 × x − 2 = 0, x = 1। बिल्कुल करेक्ट है 1। हाँ जी आशीष जी, NO2 4, ये भी बिल्कुल करेक्ट है 4, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 5 आया था। बिटिया बताएंगे H2SO3 x = 4, ये भी करेक्ट। 9th करके दिखाऊं? 9th में NO2 है। चलो हमारे साथ जॉन जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं HNO2 करिए, हमने HNO2 लिया, करिए HNO2। क्या हो गया सर, आपकी बात मान ली, HNO2 निकाल दीजिए बस। कितना रहे? बिल्कुल सही जवाब है आपका। पहला चैलेंज,
O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा H2O2 में दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा SO4 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तीन क्वेश्चन दिए, निकाल दो। H2O2 में दोनों का निकालना। अब रवेका बेटा बताएंगे O2 में ऑक्सीजन का कितना होगा? सर 2। बिटिया कह रहे हैं 2। कितने बच्चों का 2 है, रेज द हैंड। प्लस 2 है किसी का? कितनों का माइनस 2 है? कितनों ने नहीं किया? दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट आंसर, रेज द हैंड प्लीज। ओके दैट्स गुड, ओके दैट्स फाइन। प्रतीक वीर जी। यस सर। कितना आंसर है प्रतीक जी? सर -4। -4 कितनों का -4 है? बिग हैंड्स, वेरी गुड, इट्स अ रॉन्ग आंसर। कितनों का 0 है? 0 इज द करेक्ट आंसर। 2 × x = 0, x = 0। लेसन, चलो किसी को शक हो कि उसको आता है तो प्लीज रेज अ हैंड, मैं अभी प्रूव कर दूंगा तुक्के से करेक्ट हुआ है। आपको लगता है आपको आता है? जस्टिफाई योर आंसर सर। फर्स्ट पार्ट का O2 में आपने बोला 0 है, जस्टिफाई योर आंसर बाय 0। व्हाई नॉट -2? वो भी एक मेथड है। दूसरा है 2 × -2 ले तो 4 का काम खत्म हो जाता। I'll tell you the real reason. ये सब हम गेस कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं। ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया? ऑक्सीजन के साथ ऐसे डबल बॉन्ड होता है, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड होता है। ये दो ऑक्सीजन है, क्या इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। दोनों ऑक्सीजन है तो दोनों की खींचने की पावर बराबर होगी। दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, ना इलेक्ट्रॉन लिया गया ना इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो ना इलेक्ट्रॉन दिया गया ना इलेक्ट्रॉन लिया गया, तो सो इट इज 0। याद रखना F2, Cl2, Br2, I2, H2, N2, P4, S8, ये सब 0। जब आप अपने साथ ही बॉन्ड बनाएंगे तो ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे, आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0। नोट डाल दो नीचे, N2O2 सारी है, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर P4S8 भी, हाँ वो सब 0 है, वो सारे 0 है। समझ आया है? ऐसा तो नहीं लग रहा मुर्गा जान से जा रहा है, खाने वाले को स्वाद नहीं आ रहा। फ्लोरीन ने फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन ने फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बराबर है या अलग अलग? तो किसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे?
पहले फ्लोरीन को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, दूसरे फ्लोरीन को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, सो आंसर शुड बी जीरो. तो एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू एन टू एच टू पी फोर, पी फोर में भी तो सारे फॉस्फोरस ही है ना, क्या है फॉस्फोरस. यस ऑल. अब ये पी फोर, अब पी फोर में फॉस्फोरस ने बॉन्ड तो फॉस्फोरस से बनाया ना, तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा. ऐसे स्ट्रक्चर मालूम है, वैसे मैं तो नॉलेज के लिए बता रहा हूं. क्राउन ऑफ द किंग, नॉलेज के लिए. इसे पक्कड़ रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्राउन ऑफ पक्कड़, पक्कड़ रिंग. तो नाम आप क्या कर सकते हैं, पक्कड़ रिंग टाइप स्ट्रक्चर, या इसे क्राउन ऑफ द किंग भी कहते हैं. अब सल्फर ने किससे बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन लिया या दिया, ना लिया ना दिया, तो जीरो. तो ये सारे जीरो वाले. चले सर आगे. अब हम करने लगे H2O2. क्या करने लगे, H2O2. जो H2O2 है, शुभी बेटा बताएंगे व्हाट इज द आंसर H2O2. बेटी ऐसे जीरो, कितनों का जीरो है, रेज द हैंड, बिग हैंड्स. तेरा भी जीरो है. पर ये गलत आंसर है. हां जी, कोई भी, कितनों का हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन माइनस टू, कितनों का ये आंसर है, हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन माइनस टू, कितनों का ये है, वेरी गुड, इट्स अ रॉन्ग आंसर. कितनों का ये है, ऑक्सीजन माइनस टू हाइड्रोजन प्लस फोर, सॉरी प्लस टू, कितनों का ये है, वेरी गुड, ये भी गलत आंसर है. किसी और का कोई और आंसर हो, ऑक्सीजन माइनस फोर हाइड्रोजन प्लस टू, कितनों का ये आंसर है, वेरी गुड, ये भी गलत है. करवा दो, ज्यादा हो गया. अच्छा, टाइम इज रनिंग. यस, हाइड्रोजन. No sir, leave it. Listen here. It's a special way. There are two possible cases. Case one. हमें हाइड्रोजन का पता है, हम ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं. 2 × 1 + 2 × x = 0. x = -1. तो यहां आ गया हाइड्रोजन प्लस वन एंड ऑक्सीजन माइनस वन. ये आ गया, हाइड्रोजन प्लस वन लिया था, ऑक्सीजन माइनस वन. केस टू, अब हमें ऑक्सीजन पता है, हाइड्रोजन निकालते हैं. ऑक्सीजन माइनस टू हाइड्रोजन एक्स, तो 2 × x + 2 × -2 = 0. 2x - 4 = 0. 2x = 4. x = 2. यहां पे आया हाइड्रोजन प्लस टू ऑक्सीजन. ये दो केसेस बनते हैं. एक में हमें हाइड्रोजन पता था, ऑक्सीजन निकाल लिया. एक में हमें ऑक्सीजन पता था, हमने हाइड्रोजन निकाल लिया. ये केस गलत है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ही कैन नॉट लूज टू इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो दो लूज ही नहीं कर सकता. वो दो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर सकता. तो ये केस गलत है. हाँ, ऑक्सीजन जनरली कितने इलेक्ट्रॉन लेता है,
ऑक्सीजन जनरली कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, पर उसने एक लिया। मान लीजिए आप दो चपाती खाते हैं पर मिली एक, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, उसने वन नहीं किया। दैट इज अ पॉसिबल केस। तो केस वन इज करेक्ट, हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन माइनस वन। केस टू इज रॉन्ग, रेस्ट ऑल द केसेस यू पुट दैट इज रॉन्ग। This is a superstar question asked so many times. सर अब टाइप थ्री, इसमें होता है SO4 टू नेगेटिव। लिसन, निकालना किसका है, सल्फर X हो गया, ऑक्सीजन 4 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू, जो मॉलिक्यूल का चार्ज है वो इक्वल टू के इस तरफ आएगा, x माइनस एट इज इक्वल टू माइनस टू, x इज इक्वल टू सिक्स, x इज इक्वल टू, जो मॉलिक्यूल का चार्ज है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ चले जाएगा। अब इसको उतारिए फिर मैं और देता हूं। केमिस्ट्री बड़ी मजेदार आर्टिकल चैप्टर सब्जेक्ट है, मुड़ा खुश हो रहा है, मुझसे आसान है ना। मनन जी के साथ सर, अंशुल जी बैठे, अंशुल जी है ना, अंशुल जी से पूछिए, इज एंजॉयिंग केमिस्ट्री। PO4 थ्री नेगेटिव, PO4 थ्री नेगेटिव, फास्फोरस का निकालना है, निकालना है सर, लिखना नहीं है, निकालना है। X बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, X प्लस 4 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, X माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो, X इज इक्वल टू सॉरी इक्वल टू माइनस टू। सर कभी कभी हम भावुक हो जाते हैं, और आप सामने बैठेंगे तो थोड़ा सा भावुक कम हो ही जाएंगे। बोलिए समझ आ गया सर। एक और इस बार जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। NO3 वन नेगेटिव, हमारे सर आंसर देंगे, निकाल के कर ले और मत निकाल, सर आंसर दे पूरा कर। X प्लस थ्री इंटू माइनस टू is equal to minus 1, x minus 3 is equal to x minus 6। सर मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया, मेरे सामने तुमने सर को बिठाया हुआ है, x is equal to 5। तेरा नाम क्या है, बोलो। सुपर डुपर चैलेंज, सुपर डुपर चैलेंज, जिसने करेक्ट रीजनिंग से समझा दी, जिसने करेक्ट रीजनिंग से, सर ऑनलाइन वालों के लिए नहीं है, वो तो गूगल भी यूज कर लेते हैं, जिन्होंने करेक्ट रीजनिंग से समझा दिया, 100 रुपीज कैश प्राइस। सीआरओ फाइव अंडरलाइन क्रोमियम है, एक बार करूंगा भैया तुम भी कर दो, क्रोमियम का निकालना है विद करेक्ट रीजनिंग, guesses are not allowed with reasoning, 100 rupees cash price। नीचे नोट लिखिए, maximum oxidation number ever possible is plus 8। तो आप अपने आंसर को मिला लीजिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर एवर पॉसिबल इज प्लस 8। लिसन एक बार जल्दी से देख लो, मैं दोबारा समझा रहा हूं सर, दोबारा से देखिए, मैं दोबारा से समझा रहा हूं। ये डबल बॉन्ड है, 10 10, ये जो बॉन्ड बनाए
इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो. अगर दोनों ऑक्सीजन ने ले लिए ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही बिकम व्हाट? माइनस वन. यहां तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो ये चार माइनस वन वाले बन गए. और इस डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? चारों अगर ऑक्सीजन ने ले लिए तो ऑक्सीजन को फायदा कितने का होगा? चार लिए, दो तो उसके अपने थे, तो फायदा टू का. क्या हो गया? क्रोमियम एक्स, चार ऑक्सीजन माइनस वन वाले, एक ऑक्सीजन माइनस टू वाला, नेट जीरो. एक्स इज इक्वल टू सिक्स. स्टार याद रखना. दिस इज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर. अब हो गए ना, अब जल्दी से नोट लिखना है. नोट, एक तो हम लिख चुके हैं क्या? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस एट. सेकेंड, वन एलिमेंट कैन शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन डिफरेंट कंपाउंड्स. One element can show different oxidation number in different compounds. अभी तुमने ऑक्सीजन किया. ऑक्सीजन जनरली कितना होता है? ऑक्सीजन माइनस टू भी होता है, माइनस वन भी देखा, जीरो भी देखा, ये प्लस भी होता है. F2O फ्लोरीन माइनस वन, ऑक्सीजन X. टू इंटू माइनस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो. एक्स इज इक्वल टू, तो ये मैं दिखा रहा हूं एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. लिखो नेक्स्ट. ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो. इधर देखो Fe3O4 FeX ऑक्सीजन माइनस टू, क्या आएगा? 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो. 3X माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो. 3X इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 3. ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन. ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन. नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इज एप्लीकेबल टू एस ब्लॉक, ई ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऑल द एलिमेंट्स. ऑक्सीडेशन नंबर इज एप्लीकेबल टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है यार. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. नेक्स्ट वी गो. Fluorine is most electronegative. So its oxidation number is either negative or either minus one or zero. Either माइनस वन और एच एफ में फ्लोरीन माइनस वन है, हाइड्रोजन सॉरी एफ टू में जीरो है, बट इट कैन नॉट बी पॉजिटिव. साथ ही में लिख दो, इट कैन नॉट बी पॉजिटिव. बोलिए समझ आ गया है? yes, सबसे अब आपका होमवर्क क्या है, सुन लो. राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी. Write the difference between oxidation number and valency. ये आपका homework है. और and complete the assignment. ये जो assignment है redox में oxidation number की, ये मैं आपको डाल दूंगा. इसमें question number 20, जो OF2 है, question number 20 OF2 है, ध्यान रखना, तो misprinting है. क्वेश्चन नंबर 20 इज OF2. आपने पूरी असाइनमेंट करके आनी है. कौन सी वाली? मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा जिसके पास नहीं है. क्लियर?
बोलो जितना कराया सारा समझ आ गया? Yes, sir. वो समझ आया कि मजा आया? ऑनलाइन वाले समझ आया कि नहीं? Yes, sir. आज के लिए इतना ही, थर्सडे को सेम टाइम पे क्लास लगेगी. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर.